नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। और हमारा खास फोकस बिहार पर बना हुआ है, खासकर नीतीश कुमार के ऊपर। बिहार के जो मुख्यमंत्री, आज से उनकी समाधान यात्रा शुरू हुई है और लाखों लोगों से वो मिलेंगे। उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे जिनके साथ वो जो सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, इसको लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत लाचार हैं, बहुत विवश हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो एक नेशनल फ्रंट या एक मेन फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर अभी बहुत ज्यादा इनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और उधर जो महागठबंधन सरकार है RJD और JDU की, उसमें भी तनातनी कुछ ना कुछ बनी हुई है। ऐसा लगता है कि RJD चाहती है कि वो जल्द से जल्द अपनी CM की कुर्सी छोड़ दें और तेजस्वी यादव को कमान संभालने को कहा जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज समाधान यात्रा तो निकली है, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से निशाने पर नीतीश कुमार को लिया है कि वो 3 से 4 घंटे में वो 40 से 50 लोगों को कैसे मिलेंगे, तो यात्रा कितनी सक्सेसफुल होगी ये बताया जाए। एक पोल ऑफ पोल्स टाइप का भी इसमें किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आज क्या नीतीश कुमार बिल्कुल एक लाचार मुख्यमंत्री हैं और समाधान यात्रा में वो समाधान तो ढूंढने निकले हैं, लेकिन किस एंगल से वो समाधान ढूंढ रहे हैं, 2024 के लिहाज से, बिहार के लिहाज से, या फिर अपने इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। इस समय हमारे साथ अंशु नथानी पटना से जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से। अंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और आज समाधान यात्रा जो नीतीश कुमार की शुरू हुई है, क्या खबरें आ रही हैं कि कैसी रही है यात्रा और क्या कुछ देखने को मिला है उस समाधान यात्रा में अभी तक? जी, पहले चरण में नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर में गए हैं और वाल्मीकि नगर टाइगर जो रिजर्व है उसके लिए जाना जाता है बिहार में। और ये प्रोजेक्ट नया ही शुरू किया है और नीतीश कुमार के दिल के बहुत करीब है और लग रहा है कि यहाँ पर वो अपने लिए कुछ जो एक मानसिक थकान उन्हें शायद हो रही थी, तो शायद एक रिफ्रेश होने आ गए हैं ताकि कुछ नए आइडियाज और नई बातें और कैसे अब राजनीति में अगला कदम चलना है, शायद उसके लिए वहां से उन्हें कोई शक्ति मिले, कोई मिले, कुछ आइडियाज मिले, मुझे ये भी लग रहा है। तो वो वहां पर गए हैं, बहुत अधिकारियों से मिले हैं बगहा में, उसके बाद वो गए हैं, उससे पहले उन्होंने सफारी में भी गए हैं और वो जितनी परियोजनाएं हैं उसको देखा है उन्होंने कि वहाँ किस तरह से काम हो रहा है और कुछ सजेशंस दिए हैं और कुछ अधिकारियों को डांट भी लगाई है जो काम अगर देर से हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट उन्हें वो जल्द से जल्द चाहिए होगी। जो जीविका भी एक उनका बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो जीविका दीदी है जो कि जितनी वुमेन्स हैं उनको उनके जरिए वो समाज के कार्य और बहुत सारे कार्यों में उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको रोजगार भी दिया जाता है, उन जीविका से भी वो मिले हैं, उनकी भी प्रॉब्लम को सुना है। तो कुल मिला के आज वो अधिकारियों से मिले हैं, उनकी समस्याओं को सुना है और जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने योजनाएं हैं, जितने परियोजनाओं पे कार्य चल रहा है उनकी क्या प्रगति है, क्या प्रोग्रेस है, उसको देखा है और अपने कमेंट्स, अपनी टिप्पणियां की। लेकिन आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहेंगे, यात्रा के बाद लोगों से मिलते हैं, मीडिया से भी उसमें बात करते हैं, तो मीडिया में जब उनसे बात की गई और पूछा गया कि समाधान यात्रा आप आज के इसलिए निकले हैं तो क्या खास आपने आज देखा है या फिर इस यात्रा से आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये कोई नई यात्रा नहीं है और हमेशा ही मैं प्रदेशवासियों के बीच जाता हूँ, जो काम मैं शुरू कराता हूँ उस काम की पूरी रिपोर्ट लेता हूँ, प्रगति देखता हूँ और वही मैं करने आया हूँ और 1.5 महीने बाद फिर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट इनको लूंगा। तो जब ये पूछा गया कि अभी तो आप राज्य में हैं, क्या यहाँ से भी बाहर जाएंगे, तो आज एक बड़ी बात उन्होंने कही कि बजट सेशन के बाद वो देश यात्रा पर भी जाएंगे। क्या उसका तरीका होगा या क्या प्लानिंग है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये यात्रा कर रहा हूँ लेकिन बजट सेशन के बाद, फरवरी मार्च के बाद मैं आगे भी यात्रा का प्लान करूंगा जिसमें देश के दूसरे हिस्से में भी ये मेरी यात्रा रहेगी। तो हो सकता है कि वो अपनी इस यात्रा के दौरान एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे या वो देखेंगे कि इस यात्रा में उन जो जो एजेंडा वो लेकर चले हैं, अब एजेंडा उनका क्या है ये उनके मन में ही होता है, क्या वो कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलना चाहते हैं, क्या वो जनता की नब्ज टटोलना चाहते हैं, क्या वो अपना ही एक लिटमस टेस्ट करने के लिए गए हैं कि अभी भी लोग उनको कितना सपोर्ट करते हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके अंदर अभी तक उनकी कितनी पहुंच है, पकड़ है,
प्रशासन उनकी कितनी बातें सुनता है या जो काम वो करा रहे हैं उसका क्या जनता के बीच में इफेक्ट है, वो ये सारी बातें सारी चीजों को फिर से शायद देखने और समझने के लिए गए हैं। और जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, जो जितने जिलों में वो जाएंगे वहां उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी, वहां के नेताओं से भी मुलाकात होगी, तो अंदर की जो छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं, छोटी छोटी बातें उन तक पहुंचेंगी जो पटना में रहते हुए वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच नहीं पाती है। कई बार वो कहते हैं ये बातें कि इस नेता ने ये कहा तो हम बीजेपी में चले गए, उस नेता ने तो कहा तो हम फिर आरजेडी में आ गए, तो इस तरह की वो बातें करते हैं, लेकिन इससे शायद उन्हें खुद ये मौका मिलेगा कि अंदर खाने क्या चल रहा है पार्टी में, निचले स्तर का जो अभी कार्यकर्ता है वो क्या सोचता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिस तरह से चीजें हो रही हैं कि आरजेडी एक बड़ा दल है तो क्या वो हावी होती जा रही है जेडीयू के ऊपर, क्या नीतीश कुमार नियंत्रण खो रहे हैं पार्टी से, सरकार पे से, सत्ता पे से, क्योंकि जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि 2025 में तो वो सौंप ही देंगे तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव को जिस तरह से वो खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं या लोग मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन सारी सत्ता की चाबी जो है वो तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन वो शायद ये अभी प्रूफ रॉन्ग प्रूफ करने के लिए गए हैं, मुझे जो लगता है कि नहीं अभी मैं ही हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, सारी चीजें मेरे ही कंट्रोल में है, तो वो ये पूरा जायजा मुझे लगता है लेने गए हैं, और जिसमें उनके अपने अंदर का एजेंडा है वो देखेंगे, पार्टी के नेताओं का सपोर्ट उनके साथ कितना है, जनता उनके बारे में क्या सोच रही है, जो उन्होंने काम किए हैं वो विकास कार्य वो देखेंगे उनका पूरा जायजा, और उसके बाद जनता के पास बताने के लिए उनके पास आगे क्या है, और बिहार के मूड को जब वो समझ लेंगे तो उनकी तैयारी होगी कि वो देश का मूड समझने के लिए आगे जाए, यानी कि पहले जहां वो खुद है वहां मूड समझेंगे,